मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा आज हम चतुर्थ पाठ है, चौथा पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम का की पुनरावृत्ति करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब हम रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन को ही हिंदी में कहते हैं पुनरावृत्ति। तो आज हम इस पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस पाठ का हिंदी अनुवाद नहीं कराया गया है। क्यों नहीं कराया गया ये भी आपको पता है कि जहाँ पर वार्तालाप होती है, दो या दो से अधिक लोगों की बातचीत होती है, उस पाठ का हिंदी अनुवाद नहीं कराया जाता है। ठीक है, इससे पहले हमने अपना थर्ड चैप्टर कंप्लीट किया था, थर्ड चैप्टर की पुनरावृत्ति करी थी। ठीक है, आप आशा है आप लोगों ने वो चैप्टर पढ़ भी लिया होगा बहुत अच्छे से। तो आज हम फोर्थ चैप्टर हास्य बाल कवि सम्मेलन की पुनरावृत्ति करेंगे। चलिए पहले इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ते हैं। अध नीचे कोलाहलम शोर, काव्य हंतारा काव्य का नाश करने वाले, कालयाप का समय बर्बाद करने वाले, कालयाप का समय बर्बाद करने वाले धुरंधरा अग्रणी श्रेष्ठ एही आए आइए, करतल ध्वनिना तालियों से अरसी के भय नीरज जनों को, स्वकीयम अपने मादृशा मेरे जैसे, हस्त लाघवम हाथ की सफाई तुंदस्य तोंद के, आवर्तयन फेरता हुआ धार्यतम धारण करें, प्रात्रम दूसरों के अन्न को पौष्टिका पुष्टि देने वाला, प्रत्यपर्णम लौटाना अवशिष्टम बचा हुआ शेष, उत्पेरिता प्रेरित होकर श्रावित सुनाता है, भोज्य लोलुपम खाने का लोभी। चलिए अब इसका अभ्यास कार्य की पुनरावृत्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मंजूषाते अवयव पदानी चित्वा वाक्यानि पूर्यते, दिए गए शब्दों में से अवयव शब्दों को चुनकर वाक्यों को पूरा करें। ठीक है, पहला है वृक्षस्य डैश खगा वसंती, वृक्षस्य उपरी खगा वसंती, डैश विवादेन अलम विवादेन, वर्षाकाले ग्राहत डैश मा गच, वर्षाकाले ग्राहत बही मा गच, मंचस्य डैश श्रोतार उपविष्टा सन्ति, मंचस्य अधा श्रोतार उपविष्टा सन्ति, छात्रा विद्यालयस्य डैश प्रविशन्ति, छात्राः विद्यालयस्य अन्ताः प्रविशन्ति। प्रश्न नंबर तीन, अशुद्ध पद चिनुता, अशुद्ध पद को चुनकर अलग करें। गमन्ति यच्छन्ति प्रच्छन्ति धावन्ति, ठीक है, जाना पूछना, जाना देना पूछना दौड़ना, तो इसमें क्या अलग होगा, गमन्ति। रामेण ग्रहण सपेण राजे गजेण, तो इसमें से क्या अलग होगा बच्चों, गजेण। लतये माताये रमाये निशाये, तो इसमें से लताए माताए रमाए निशाए निशया, तो इसमें से निशया। लते रमे माते प्रिय माते, लिखती गर्जती फलती सेवती सेवती। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर चार, मंजुषाता समान अर्थक पदानी चित्वा लिखत, दिए गए शब्दों में से समान अर्थ के पदों को चुनकर लिखें। प्राप्य लब्ध्वा कुशला दक्षा, हर्षस्य प्रसन्नताय, देहस्य शरीरस्य, वैद्यं चिकित्सकम्। प्रश्न नंबर पाँच, अधोलिखितान प्रश्ननाम उत्तराणि एक पदें लिखें, दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में दिए, मतलब वन वर्ड आंसर। मंचे कति बाल कव्य उपविष्टा सन्ति, मंच के ऊपर कितने बाल कवि थे,
चत्वारे मंचा चत्वारे बालकव्य उपविष्टा सन्ति। के कोलाहल कुर्वन्ति, कौन शोर मचा रहे थे? श्रोतार कोलाहल कुर्वन्ति, श्रोता शोर मचा रहे थे। गजाधर कम उद्देश्य काव्य प्रस्तुति, गजाधर ने किस उद्देश्य से काव्य को प्रस्तुत किया? गजाधर आधुनिक वेदम उद्देश्य काव्य प्रस्तुति। तुंदिला कस्य उपरि हस्तम आवर्तति, तुंदिल ने किसके ऊपर हाथ फेरा? तुंदिले तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तति। लोके पुनः पुनः कानी भवन्ति, संसार में बार बार किस की प्राप्ति नहीं होती? लोके पुनः पुनः शरीराणी भवन्ति। की कृत्वा घृत पीवेत, क्या करके घी पीना चाहिए? ऋण कृत्वा घृत पीवेत। विलोम पदानी योजते, विलोम शब्दों को मिलाएं। अधा उपरी, अंत है सुबुद्धे, सॉरी अंत बही, दुर्बुद्धे सुबुद्धे, ऊंचे नीचे, दुर्लभम सुलभम। एक बार पुनः सुनिए। अधा उपरी, अंत बही, दुर्बुद्धे सुबुद्धे, ऊंचे नीचे, दुर्लभम सुलभम। तो बच्चों, ये आपका पाठ चार का पुनरावृत्ति कार्य था। आप लोगों से आशा है कि आप लोग इस पाठ को अच्छे से याद करें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं और आपका रिवीजन कार्य पुनरावृत्ति कार्य चल रहा है। तो आज हमने पाठ चार की पुनरावृत्ति की है। आप लोग इस पाठ को घर में दोबारा एक बार फिर इसकी पुनरावृत्ति करें, इस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ें और इसके इस याद करें। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप इस पाठ का हिंदी अनुवाद है नहीं, तो जाहिर सी बात है आएगा भी नहीं, क्यों क्यों जब कराया ही नहीं गया है तो हिंदी अनुवाद नहीं आएगा। तो इस पाठ में सिर्फ आपको अभ्यास कार्य, शब्द अर्थ, ये सब ही याद करने हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर और इस पाठ का अभ्यास कार्य याद करें और अच्छे से परीक्षा की तैयारी करें। उसके बाद हम अपना पंचम पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। आप लोगों को ये पाठ बहुत अच्छे से पढ़ना है घर में और ढंग से उसे याद करना है। और हिंदी अनुवाद मैंने आपको बता दिया है, कोई बच्चा इस तरह के क्वेश्चन ना पूछे कि पाठ चार का हिंदी अनुवाद आएगा या नहीं। जब आपको पता है कि जिस पाठ का हिंदी अनुवाद नहीं कराया जाता है तो उस पाठ का हिंदी अनुवाद आएगा भी नहीं। हिंदी अनुवाद के लिए आपके और चैप्टर्स हैं, उन्हें आप याद करोगे हिंदी अनुवाद के लिए। इस पाठ का आप सिर्फ अभ्यास कार्य ही याद करें। आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। ये पाठ हमने पहले भी पढ़ा है, पहले भी हमने इसका कार्य, हम तो इस टाइम अब इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ओके।